रोजाना एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। आज कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी से नाराज चल रहे कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव और वरिष्ठ पत्रकार वनिता श्रीवास्तव बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बताते चले कि पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में टिकट ना मिलने से नाराज यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, हालांकि उन्हें जीत हासिल नहीं हुई थी। प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार आने के बाद यादव अब अपनी जमीन तलाशने के लिए बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मोदी जी ने राम मंदिर का सपना देश का पूरा किया और कांग्रेस पार्टी द्वारा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जैसे आयोजन का विरोध किया गया। साथ ही कांग्रेस पार्टी सभी वर्गों के खिलाफ कार्य कर रही है, पिछड़े वर्गों को धोखा दे रही है, दलित आदिवासियों को धोखा दे रही है और भारतीय जनता पार्टी सर्वहारा वर्ग के हितों में काम कर रही है। इसलिए मैंने ये देखा कि देश और समाज के हित में केवल भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही काम किया जा सकता है, इसलिए मैंने आज भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ली है। देखिए, मेरे परिवार ने 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी की सेवा करी, लेकिन कांग्रेस पार्टी आज जिस रास्ते पे चल पड़ी है वो रास्ता ना देश के हित में है ना समाज के हित में है। इसलिए मुझे 15 अक्टूबर को पार्टी से इस्तीफा देने जैसा कठिन निर्णय लेना पड़ा और उस निर्णय से मैं आज पूरी तरह संतुष्ट हूँ। और खबर